हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पिजन लवर्स चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका पिजन लवर्स चैनल में। तो भाइयों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। भाई, आज का कमेंट अजय भाई ने पूछा है कि भाई कबूतर की टुकड़ी के ऊपर वीडियो बनाएं। ठीक है भाई, ये पूछा बहुत भाइयों ने है, मगर मैंने कमेंट जो शो किया वो अजय भाई की है। ठीक है भाई, आज टुकड़ी के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। ठीक है भाइयों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करें। तो भाइयों देखिए, जैसे कि अजय भाई ने पूछा है कि कबूतर की टुकड़ी किस तरीके से बनाए, और भी भाई हैं उन्होंने भी पूछा है कि क्या पंजाबी और मद्रासी कबूतर टुकड़ी में उड़ा सकते हैं या किस कबूतर की टुकड़ी बनाएं। ये सब चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। और भाई, टुकड़ी का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, यानी कि इसके पार्ट बना दूंगा मैं। एक एक टिप मैं आपको हर पार्ट में दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि टुकड़ी की जो बात है भाई, ये थोड़ी ऐसी इसमें मेहनत करनी पड़ती है। टुकड़ी ऐसा भी नहीं है कि ऐसे ही बन जाएगी। बहुत भाई कहते हैं कि जी ऐसे ही बना लो, अपने आप बन जाएगी, उड़ा लो। ऐसा नहीं है भाई, टुकड़ी बनाने के लिए कबूतर को दाना, रहन सहन सब कुछ यानी कि एक सा करना पड़ता है। टोटल चीज़ एक सी करनी पड़ती है, यानी कि कबूतर की जो चाल है वो एक सी बनानी पड़ती है। कबूतर पर जो होते हैं कबूतरों के, वो एक पर के कबूतर होने चाहिए लगभग। इस तरीके से कबूतर की टुकड़ी तैयार होती है। ठीक, बाकी देखो दुनिया क्या कह रही है, इसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। जो मैं अपनी राय है वो आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले भाई देखिए, ये पार्ट वन बना रहा हूँ मैं टुकड़ी के ऊपर, कि टुकड़ी किस तरीके से सेट करनी है। सबसे पहले देखो, जो स्टार्टिंग होती है वही चीज़ मैं आपके सामने शो करूँगा, और आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से करते चले जाना, इंशाल्लाह आपकी टुकड़ी बन जाएगी। तो भाई देखिए, इसमें जब आप टुकड़ी बनाना चाह रहे हो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक पर के यानी कि एक साथ के से बच्चे हों, बड़े कबूतर ना हो बच्चों के साथ में, एक साथ के कबूतर। ठीक है, यानी कि जो बच्चे आपके निकले हैं, एक कली, दो कली, जीरो कली, तीन कली, चार कली तक भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को। ठीक, सबसे पहले उन्हें अपना हिला लो पक्के से अच्छा करके, क्योंकि कुछ भाइयों ने ये पूछा था टुकड़ी लंबी चलाने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि लंबी चलाने के लिए क्या करना है, या हाइट पे टुकड़ी उड़ाने के लिए क्या करना है, या नीचे क्या करना है, या बहुत से आपने देखा हो कि ऊपर नीचे टुकड़ी करती है, वो सब चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप शो करूँगा आपके सामने। पहले आपको मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि कौन सा कबूतर आपका टुकड़ी में चल सकता है। ठीक है, चलने के लिए देखा सब कबूतर चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेहनत कराते हैं। मैं आपको सिंपल से स्टेप बता रहा हूँ। आप एक साथ कैसे बच्चे लें, उन बच्चों को आपको क्या करना है, लॉफ्ट जो होता है आप अलग अलग पेटी में बंद करोगे, उसकी टुकड़ी का है, ये समझ लो एक अलग चीज़ हो जाएगी, वो टुकड़ी फटेगी ऐसा हो सकता है। लेकिन टुकड़ी का जो सही तरीका होता है, उसमें भी आपको लॉफ्ट होना चाहिए बड़ा। ठीक है, बड़ा लॉफ्ट ये नहीं कि भाई 10 फीट का हो या 20 फीट का हो। कहने का मतलब ये, अगर आप 20 कबूतर एक साथ उड़ाना चाहते हैं तो 20 कबूतर उसमें एक साथ बंद हो जाए। ठीक है, अंदर एक साथ बंद करने का कबूतर आपको लॉफ्ट के अंदर, बिल्कुल ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, लॉफ्ट के अंदर कबूतर एक साथ बंद रहें और दाना वगैरह एक साथ दें, एक साथ पानी वगैरह दें, और टुकड़ी को जब दाना दें आवाज़ मारें, क्योंकि आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न मैं आगे चल के पार्ट में कभी बताऊंगा आपको क्या है, जब वहाँ तक हम पहुँचेंगे। अभी ये स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं टुकड़ी के लिए। लॉफ्ट में एक साथ कबूतर रखें। ठीक है भाई, दूसरी चीज़ आ जाती है बाहर जाल। आपके पास भाई धूप जाल होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको टुकड़ी उड़ानी है। ये समझ लो स्टार्टिंग का पॉइंट है, मगर सबसे मेन पॉइंट है भाई, धूप जाल होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। सभी कबूतरों को एक साथ धूप लगनी चाहिए जाल के अंदर। ऐसा नहीं है कि तुमने आज इसे लगा दी, कल इसे लगा दी। आप एक साथ धूप लगाएं सभी कबूतरों को, एक साथ में दाना चुगाएं। ठीक है, और
नर मादा जो अलग अलग बंद होते हैं उनका भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। अभी ये बच्चों वाली चीज बता रहा हूँ, जो बच्चे टुकड़ी में स्टार्ट होते हैं इसमें कोई नर मादा नहीं देखा जाता, उसमें सब एक साथ बंद हो जाते हैं। दिन में आप 2 घंटे सुबह में लगाओ धूप, करीब करीब 9 बजे से 11 बजे तक या 8-8:30 बजे जब धूप तेज सी हो जाए बस, जब डालो और सिर्फ 2 घंटे भाई। जिस दिन हवा चल रही हो उस दिन मत डालना, वरना बच्चों को ये समझ लो एक ठंड मानने लगेंगे, सुस्त होते चले जाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, या फिर आप उनकी हवा रोक दें। जैसे मान लो धूप इधर से निकल रही है और हवा इधर से चल रही है, तो आप हवा की तरफ कोई पर्दा वगैरह टांग दें, उन्हें धूप लगाएं एक साथ जाल में। एक ही साथ उन्हें दाना देना है, लॉफ्ट में अंदर एक साथ रखना है, जाल में एक साथ उन्हें रखना है, ठीक है भाई। जाल में जब सुबह में आपने 2 घंटे धूप लगा दी है तो मेरे हिसाब से फिर शाम को 1-1.5 घंटा करीब करीब ये लगा लीजिए आप, 3:30 या 4 बजे आप जाल में डाल दीजिए उन्हें 1 घंटे के लिए मात्र, सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटे में चाहे आधा घंटा हो जाए, 1/4 घंटा हो जाए, फालतू ना करें। अगर 4 बजे डाल ले हो आप तो 5 बजे आप उतार के उन्हें दाना दे के बंद कर दीजिए। दाना भाई देना तभी है जब जाल में आप उन्हें डालोगे और उसके बाद जब उतारोगे शाम को 5 बजे, तो 5 बजे दाना दे के बंद कर दोगे, ठीक है। इसी तरीके से बंद करना है सभी कबूतरों को, पहले दाना किसी को मत देना, बाद में ही देना जाल में से जब उन्हें आप उतारोगे या ये मान लो जाल में से निकालोगे जहाँ भी आप दाना चुगाते हो, ठीक है। दूसरी चीज, छत पे कबूतर मत खोलना भाई, ठीक है। इसकी बाकी डिटेल जो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि छत पे क्यों नहीं खोलना, क्या नहीं खोलना। सबसे पहले आप इसी चीज़ पे फोकस करो, क्योंकि बहुत भाइयों ने पूछा कि टुकड़ी के ऊपर वीडियो बनाओ टुकड़ी के ऊपर, तो भाई थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था और आजकल जैसे तुम जानते हो बुखार वगैरह ज़्यादा चल रहे हैं, तो भतीजे की तबीयत ख़राब हो गई और हमारी भी तबीयत ख़राब चल रही थी, तो टाइम मिल ही नहीं रहा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो उसके बाद अब टाइम मिला तो इंशाल्लाह देखो मैं कोशिश ये करूँगा कि पर डे आपको टुकड़ी के ऊपर एक आध पार्ट लेके आता रहूँ, ठीक है। बाकी अदर भी जानकारी देते रहेंगे सर से, अभी जोड़ा लगाने की भी बताएंगे इंशाल्लाह बाद में। फिलहाल तुम ये चीज़ करो जो मैंने आपको बताई है कि कबूतर जो है आपका टुकड़ी में उड़ाने के लिए क्या करना है। टुकड़ी में उड़ाने के लिए भाई यही चीज़ आपको करनी है, आप लॉफ्ट में एक जगह बंद करो उन्हें और बाहर जाल में भी उन्हें धूप एक साथ लगाओ, दाना एक साथ दो, ठीक है। और छत पे मत देना भाई दाना, जाल के अंदर ही देना या लॉफ्ट में देना आपने, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें देखो भाई जब उड़ने वाला कबूतर बाहर खुलेगा तो उसमें दिक्कत होती है, उसके लिए मैं बताऊंगा तुम्हें डिटेल में, क्योंकि वीडियो नहीं ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पहले आप यही देखो बस, लॉफ्ट के अंदर एक साथ रखना है भाई और जाल में एक साथ रखना है, ठीक है। हवा से कबूतर को बचा के रखना, ठीक है। तो जाल जो है भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भाई के पास नहीं है और टुकड़ी उड़ाने का भाई का मन हो तो भाई जाल जरूर बना लो, ठीक है। क्योंकि जाल जो है वो टुकड़ी के लिए सबसे मेन पॉइंट है भाई, मेरी जो राय है, दुनिया चाहे कुछ भी कह रही है, मैं अपनी चीज़ बता रहा हूँ आपको, जाल बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास चीज़ सब होंगी तो आप इंशाल्लाह 2-3 दिन 4 दिन में टुकड़ी बन जाएगी, अगर आपके पास कबूतर हिला के रखे हुए हैं आपने। अगर बड़े कबूतर भी होंगे उनकी भी टुकड़ी बन जाएगी, वो भी बताऊंगा किस पर का हो, किस नस्ल का हो, कैसा हो, सब बताऊंगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है भाई। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुँचती रहे, ठीक है भाइयों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।